गाइज़ वेलकम टू माई चैनल। आई होप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे जेके बैंक के लिए, या कोई भी अभी RBI असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम आएगा, SBI का भी आएगा, तो सभी उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की और आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरा वॉलपेपर है। बी जेंटल विद योरसेल्फ, यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। इसका मतलब ये है कि अपने साथ जेंटल रहिए और जो आप कर रहे हैं वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो अपने आपको प्रेशराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हैं बेस्ट हैं, अगर आप एम्प्लॉयड हो खुश रहो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो फिर भी खुश रहो। जो रोज़ का आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई नो लाइफ, हर एक बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, बट वी डोंट हैव टू गिव अप और वी हैव टू कीप फाइटिंग। ये ही लाइफ है, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स बट वी कांट गिव अप। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बेसिकली मेरा इस वीडियो बनाने का एम यही है कि मैंने लास्ट एक दो वीडियो में मैंने आपको डिस्क्लोज़ किया था मेरे मार्क्स कितने थे एग्ज़ाम्स में। तो RBI असिस्टेंट के प्री में मेरे 30 में से 30 मार्क्स थे इंग्लिश में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे DM कर रहे थे कि कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया और आप कैसे अभी इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले तो आप ये मेरे मार्क्स देख लीजिए, ये मेरे RBI असिस्टेंट के मार्क्स थे। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी उसको पता नहीं होगा, तो ये थे मेरे इंग्लिश में 30 मार्क्स थे 30 में से, मैथ्स में मेरे 32.50 थे 35 में से, और रीजनिंग मेरे 33.75 थे और ओवरऑल 96.25 था। तो मेरे इंग्लिश में 30 में से 30 मार्क्स थे। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको इंग्लिश कैसे करनी है। एंड्रॉयड फ़ोन में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होएगा, तो प्ले स्टोर में से आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है, वो ऐप 24 ये होएगा इसका, थोड़ा इसमें V24 लिखा होएगा, ये आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, इस ऐप में आप अपना जो आपका एडिटोरियल सेक्शन है ये पूरा आपका कवर कर लेगा। आपको न्यूज़पेपर ये न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय आप इसमें से आप एडिटोरियल सारा रीड कर सकते हैं। इसमें हर एक तरह का एडिटोरियल है, द हिंदू से एडिटोरियल है, फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, इकोनॉमिक टाइम्स का है। ठीक है, और इसमें कोट ऑफ द डे भी है जो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे इसमें है द मेजर ऑफ हु वी आर इज़ व्हाट वी डू विद व्हाट वी हैव। ठीक है, ऐसे ही हर एक दिन का कोट भी आता है जो आपको मोटिवेट करता है। जैसे इसमें है लास्ट का था, इट डज़ नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गेट नॉक डाउन बट हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप, मतलब कितनी बारी ये मैटर नहीं करता कितनी बारी तुम्हें। ठीक है, आप इसमें कोट्स वगैरह भी देख सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल में आपने क्या करना है। ये जैसे द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें आपका पूरा सोर्सेज दिए हुए द हिंदू के क्या क्या है, और इसको आप इसको रीड करिए अच्छे से। और कोई भी आपको अगर वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको क्लिक करके इसमें वर्ड का मीनिंग भी आ जाएगा। जैसे मैंने इस वर्ड को क्लिक किया, इसमें वर्ड का मीनिंग भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या मीनिंग है। ठीक है, तो हम ऐसे ही सारे इसमें ट्यूटोरियल्स अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। टाइम्स, अगर जिसका द हिंदू जिसको हाई लेवल लग रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया वो कर सकता है, इकोनॉमिक टाइम्स भी हैं, और आप इसमें प्राइम की मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसमें आपको और आपको आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, इसी से मैंने भी प्रिपेयर किया हुआ है और मैं सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छी ऐप है, तो आप इसको भी इसी से आप प्रिपेयर करिए। और आपको मैंने कहा था कि अलग से कॉपी बनाना, तो आप इसमें वोकैबुलरी भी दी हुई है। जैसे यहाँ पे नीचे लर्न वोकैब करके आ जाएगा जिसमें सारे वर्ड्स आपको लिखे होंगे, जैसे वैनिश हो गया, एंट्रेंच हो गया, क्या मतलब है इसका। ठीक है, इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, तो आप इसकी अलग से कॉपी बना के उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आप इसको इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपका वोकैबुलरी भी अच्छा हो जाएगा और ग्रामर भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने अपनी तैयारी इसी ऐप से की है और मैं यही सजेस्ट करूँगी अपने सारे व्यूअर्स को कि इसी ऐप से आप करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इंग्लिश की उतनी आपको इम्प्रूव होगी। और आपको इसको हार्डली 1 घंटा देना है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप इंग्लिश की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए। इसके बाद यहाँ पर क्विजेज़ भी हैं जो आप क्विजेज़ भी दे सकते हैं। और बस मैं यही बोलूँगी इस वीडियो के लिए कि अच्छे से तैयारी करिए, अब पेपर एग्ज़ाम्स आएंगे और
अब इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांट का जो सीरीज़ हम कर रहे थे वो ही कंटिन्यू करेंगे। और जो सब्सक्राइबर्स मेरे हैं मैं उनको बोलूँगी कि मैं आपको क्वांट रीजनिंग BA कंप्यूटर सारा मैं अच्छे से करवाऊँगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ बनिए रहिए। और मैं देखती हूँ कि काफ़ी व्यूज़ आते हैं, बट मुझे इतने सब्सक्राइबर्स मेरे हैं नहीं, तो आई जस्ट होप कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लग रही है तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे ऑल यू विल गेट ऑल माई अपडेट रिगार्डिंग जो भी आपके बैंकिंग एग्जाम की एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे। तो और आजकल मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो आई एम अप्रिशिएटिंग दैट। एंड कोई भी आपको भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, तो आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, डोंट यू वरी। ठीक है, तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।